आज किसी इंसान को अगर अपने घर वालों से और अपनी औलाद से आंखों की ठंडक न मिले तो इंसान कमा कमा कर थक जाए। घर बना ले, गाड़ियां ले ले, सारी दुनिया के आराम और राहत के सामान को अपने घर के अंदर जमा कर ले, लेकिन घर वालों से और औलाद से आंखों की ठंडक ना मिले तो इंसान को ये दुनिया बिल्कुल बेकार नजर आती है। ये इंसान जिंदगी में एक जगह थक कर रुकता है, कहता है मौलाना अब थक गया, मैंने सारी जिंदगी लगा दी। इन बीवी बच्चों के लिए, इनको आराम पहुंचाने के लिए, लेकिन मुझे इनसे ठंडी हवा नहीं आती। खवातीन हज़रात, अब गर्मी का मौसम आने वाला है, आप हज़रात घरों के अंदर ठंडक हासिल करने के लिए एयर कंडीशन लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, ताकि इसमें से ठंडी हवा आ जाए। जब आप एक मशीन से ठंडी हवा हासिल करना चाहते हैं तो उस मशीन बनाने वाले की हिदायत पर आप मुकम्मल अमल करते हैं तो उस मशीन से ठंडक मिलती है। अगर कोई मुआशरे का ऐसा अकलमंद इंसान जो अपने घर में एयर कंडीशन लेकर आ जाए और उससे से ठंडी हवा ना आए तो वो फौरन उस दुकानदार को फोन करेगा, मैं इतना महंगा एसी लेकर आया हूं लेकिन उसमें से ठंडी हवा नहीं आ रही। वो दुकानदार कहता है अच्छा मैं किसी टेक्नीशियन को भेजता हूं, मिस्त्री को भेजता हूं, देखता है क्या नाप से उसमें। जब वो भेजता है तो वो टेक्नीशियन मिस्त्री आकर सर पकड़ लेता है, वो कहता है अल्लाह के बंदे आप एयर कंडीशन तो घर में ले आए लेकिन इस एयर कंडीशन का ताल्लुक आपने बिजली के साथ नहीं जोड़ा, इसमें तो आपने प्लग ही नहीं लगाया, उस ताल्लुक उस ताकत के साथ ताल्लुक ही नहीं जोड़ा कि जिस ताकत से ताल्लुक जुड़ने के बाद इस मशीन में से ठंडी हवा आती है। आप पहले उस ताकत से ताल्लुक तो जोड़े। आज इंसान चाहता है कि मुझे अपने घर वालों से अपनी औलाद से आंखों की ठंडक मिले, हर इंसान चाहता है, लेकिन उस जात से ताल्लुक कायम नहीं करता अपना और बीवी बच्चों का जिस ताकत से ताल्लुक जोड़ने के बाद ठंडी हवा आती है, और वो ताकत है अल्लाह की जात। ये इंसान जब उसके कंडीशन से जब ठंडी हवा चाहता है तो बड़ी बारीक बीनी से ऐसे इंतजाम करता है ताकि उस मशीन से ठंडी हवा आए। ये इंसान अगर घर में एयर कंडीशन चल रहा हो, सख्त गर्मी का मौसम, कोई बच्चा अगर दरवाजा खोल दे, ये इंसान कितनी जोर से डांटता है कि बंद करो इस दरवाजे को, नजर नहीं आ रहा एसी चल रहा है,
ये क्यों हम डांटते हैं उस बच्चे को? इसलिए ताकि बाहर से गर्म हवा ना आ जाए, तपिश ना आ जाए, क्योंकि हम एक मशीन से ठंडक हासिल करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि बाहर से गर्म हवा ना आए। लेकिन हम नमाजें भी पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं, सदका और खैरात भी देते हैं, और कहते भी हैं कि मौलाना घर वालों से औलाद से आंखों की ठंडक नहीं मिलती, इसलिए कि उस घर के अंदर कोई दरवाजे खुले हुए हैं जहां से जहन्नम की तपिश आती है। अगर हम इन मशीनों से ठंडक हासिल करते हुए हम बड़ी बारीक बीनी से इन बातों का ख्याल करते हैं कि कहीं से तपिश ना आए, गर्म हवा घर में ना आए, ताकि मशीन से ठंडी हवा आती रहे एयर कंडीशन से, मुआशरे का कोई एक फर्द क्या ऐसा होता है गर्मियों के सख्त मौसम में कि वो अपने घर के अंदर एयर कंडीशन चलाए ठंडक हासिल करने के लिए, और उसी कमरे के अंदर हीटर भी जलाए? क्या माशरे में कोई ऐसा अकलमंद नहीं होता है? हम बस औकात बीबी भी नमाज पढ़ रही है, बच्चे को भी हम मदरसे में भेजते हैं, कुरान मजीद हिफ्ज कर रहा है, मौलाना हम नमाजें भी पढ़ते हैं, दीनी बात का ख्याल भी करते हैं, लेकिन आंखों की ठंडक नहीं मिल रही। होता क्या है कि उसी घर के अंदर जहन्नम के आतिश कदे भी जल रहे होते हैं। जो कहना चाहता हूं वो ख्वातीन भी समझ रहे हैं, मर्द भी समझ रहे हैं। अगर आप ठंडक हासिल करना चाहते हैं इस औलाद से और घर वालों से, इस नई नस्ल से आप ठंडक हासिल करना चाहते हैं, तो उन दरीचों को बंद करना होगा जहां से जहन्नम की तपिश आई, उन हीटरों को भी बंद करना होगा जहां आपने जानबाजी भी बिछाई हुई है और साथ उस जहन्नम के आतिश कदे भी खोले हुए हैं। फिर जिस तरह हम उस मशीन को चलाने की कोशिश करते हैं, आप कोई भी मशीन खरीद कर लेकर आते हैं तो आपके पास उस डब्बे के अंदर हिदायत नामा होता है, आप उस हिदायत नामे के मुताबिक उस मशीन को इस्तेमाल करते हैं। इसको बिजली चाहिए तो कितने वोल्ट की चाहिए, इसके साथ और क्या कुछ होना चाहिए, कितनी बारीक बारीक बातों का ख्याल करते हैं कि इस मशीन बनाने वाले ने डब्बे के अंदर जो हिदायत नामा रखा है मैंने उसके मुताबिक मशीन चलानी है ताकि मशीन सही चले। जिस खालिक ने इस नई नस्ल को बनाया है उस खालिक ने भी कोई हिदायत नामा दिया है। अगर ये इंसान इस नई नस्ल को उस हिदायत नामे के मुताबिक चलाएगी, अल्लाह ठंडी हवा देगा। और अगर खालिक के बताए हुए तरीके के खिलाफ हम इस नई नस्ल को चलाने की कोशिश करेंगे, भूल जाने के ठंडी हवा आएगी। उस खालिक ने हमें कुरान मजीद के अंदर वो उसूल सिखाए उस नई नस्ल की तरबियत के लिए। आज हर वो मां, हर वो बाप, मुआशरे का हर फर्द वो उस वक्त अकलमंद कहलाएगा जब वो अपनी नई नस्ल की तरबियत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कर रहा होगा।
आज की नशिस्त में उन उसूलों का तज़किरा मकसूद है। और ये इसलिए अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने जब हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम को दानाई दी तो सूरह लुकमान दूसरा रुकू अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलकद आतैना लुकमान अल-हिकमत अलिस्तुलिता, हमने लुकमान अलैहिस्सलाम को दानाई अता की, हिकमत अता की ताकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। मैंने अर्ज किया कि आज जो इंसान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आज जो इंसान अपनी नई नस्ल की तरबियत कर रहा है वो समझदार इंसान है, और जो नहीं कर रहा वो ना समझ इंसान है। आज वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है कि नई नस्ल को संभालने के लिए, उनकी तरबियत करने के लिए हम नई नस्ल के जिम्मेदार माँ बाप, मुआशरे के बुजुर्ग, मुआशरे के पढ़े लिखे अफराद, घरों में रहने वाली माएँ बहनें, वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अहकाम को समझे। जब अल्लाह ताला ने लुकमान अलैहिस्सलाम को दानाई दी तो उन्होंने अपनी नई नस्ल की तरबियत कैसे की? अल्लाह ताला ने समझाया वही قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك ظلم عظيم। जब लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपनी नई नस्ल की तरबियत की तो सबसे पहले किस बात की तरबियत की? अपने बच्चे को यूं कहा या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, ए मेरे प्यारे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा ज़ुल्म है। पहला मरहला बच्चे के ईमान पर मेहनत, बच्चे के ईमान पर मेहनत। मुमकिन है कि आप में से बाद हजरात के जहन में ये ख्याल आए कि जनाब ये शिर्क वगैरह के मौजू बड़े ऊंचे किस्म के मौजू होते हैं, तो बच्चे जब बड़े होते हैं फिर सीखते हैं। लेकिन ये वादे तौर पर जहन में रखिएगा कि ये ऐसा अहम मौजू है कि इसकी तरफ से गफलत करने की वजह से आज बसा औकात माएं दूध पीते बच्चे को शिर्क के रास्ते पर लेकर चलती हैं। हम तो समझे थे कि ये शिर्क एक ऐसा मौजू है जिसको बड़े होकर समझना चाहिए, ये तो बड़ों का मौजू है। आज माएं दूध पीते बच्चे को जो बात भी नहीं कर सकता, जो बोल नहीं सकता, उस दूध पीते बच्चे को माएं बसा औकात कहती हैं तुम दूध पियो, तुम डोगी खा जाएगा, कुत्ता खा जाएगा, तुम दूध पियो वरना मैं तुम्हें अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगी, तुम दूध पियो वरना तुम्हें भोरी वाला बाबा ले जाएंगे। आज वो दूध पीते बच्चे के अंदर मखलूक का डर पैदा करती है। ये जब जवान होगा बच्चा, कड़ियल जवान होगा, उस वक्त ये मखलूक से डरेगा, खालिद से नहीं डरेगा। उसको किसी माँ ने नहीं बताया कि खालिद भी कोई डरने की। आज तो माहिर नफ्सियात बताते हैं कि बच्चों के अंदर मखलूक का डर नहीं पैदा करना चाहिए वरना ये बच्चे बुजदिल हो जाएंगे। मुमकिन है कि आपके दिल में एक बात आए कि मौलाना अगर बच्चों के दिल में
डर बिठाया जाए तो बंदा डरपोक हो जाता है ना, बुजदिल हो जाता है। आप कहते हैं कि अल्लाह का डर बिठाया जाए तो डरपोक तो फिर भी हो जाएगा ना। उसका जवाब गौर से सुनिएगा, दिल खोल के सुनिएगा। जब इंसान के दिल में मखलूक का डर होता है वो इंसान बुजदिल होता है, और जिस इंसान के दिल में मखलूक का डर नहीं होता, खालिक का डर होता है, वो बहादुर इंसान होता है। आज अपनी नई नस्ल को बहादुर बनाइए, उसके ईमान पर मेहनत कीजिए। सबसे पहले पहला उसूल है, उसके दिल में अल्लाह की अजमत हो। बेटा ये दूध अल्लाह ताला ने दिया है, तुम पियोगे अल्लाह राजी हो। माँ की बात मानने से अल्लाह राजी होता है। बेटा माँ नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज हो जाता है। कितनी माएँ हैं जो बच्चों को इतना अल्लाह से डराती होंगी। और फिर उसके बाद बच्चों के अंदर खालिक की जात की अहमियत पैदा की जाए तो इंशाल्लाह ये बड़े होकर खालिक को सबसे बड़ा समझेगा, अल्लाह को सबसे बड़ा समझेगा। और उसके बाद ज़हन में रख लीजिएगा, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने नई नस्ल की तरबियत करते हुए जो अल्फाज कहे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयात में उसको बयान फरमाया, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ علماء موجود ہیں ماشاء اللہ، اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یا بنیا، اس میں بنیا ابن کی تصغیر ہے، بنیا اے میرے پیارے بیٹے۔ سمجھایا، नई नस्ल की तरबियत करते हुए अपने लहजों को बदलिए, नई नस्ल की तरबियत करते हुए अपने मिजाज को बदलिए। आज हम जब दुनिया के कामों में उनकी तरबियत करते हैं, हमारा लहजा कुछ और होता है, हमारा रवैया कुछ और होता है, हमारा तरीका कुछ और होता है, और जब दीन पर हम लाना चाहते हैं तो हमारा रवैया कुछ और होता है। जब दीन पर लाना चाहते हैं तो हमारा रवैया क्या होता है, हमारा लहजा क्या होता है। नमाज पढ़ा करो, क्यों नहीं पढ़ते नमाज, कह जो दिया एक दफा नमाज पढ़ो, अब इसके बाद हमेशा बच्चा नमाजी हो जाए पक्का। जी माए गौर से सुने बात को, भाई गौर से सुने बात को, बाप गौर से सुने बात को। क्या ये जो बच्चा आपका जवान हो गया है, खाता पीता है, क्या ऐसा हुआ था कि ये बच्चा एक दिन बैठा हुआ था, दूध पीता था, और एक दिन आपने इसको गुस्से से कहा था खाया करो आप बड़े हो गए हो, बस मौलाना मैंने एक दिन कह दिया था, उस दिन से लेकर आज तक खा रहा है पी रहा है। क्या ऐसा हुआ था कि ये बच्चा बैठा हुआ था और एक दिन माँ ने बाप ने डांट के कहा था बैठे रह जाओ चला करो फिरा करो बड़े हो गए हो, बस मौलाना एक दिन कह दिया था माशाल्लाह मेरा बेटा उस दिन से चल फिर रहा है। ऐसा नहीं हुआ जनाब। माएं याद करें, ये बाप याद करें कि ये बच्चा छोटा सा था, बैठा रहता था, फिर रिंदने लगा, क्रॉलिंग करने लगा, फिर ये बाप और मां मिलकर पता नहीं क्या क्या हरकतें करते थे इस बच्चे के साथ, इसको चलाने के लिए, कभी उंगली पकड़ाकर, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। यहां तक कि एक दिन जनाब हफ्तों मेहनत करने के बाद एक दिन ऐसा आया कि बगैर उंगली पकड़े एक कदम चला तो पूरे खानदान में शोर मच गया, आज हमारा बच्चा बगैर उंगली पकड़े चला है। ऐसा नहीं हुआ कि आपने उसको कहा कि खाना खाया करो, बस उस दिन से खाना खा रहा है मौलाना मेरा बेटा। जी नहीं, एक लाहौर के मशहूर डॉक्टर ने बच्चों के, उनके पास
एक माँ आई पढ़ी लिखी, वो डॉक्टर साहब बताने लगे बीसियों माएं ऐसी आती हैं, और वो माँ आकर कहने लगी कि ये बच्चा कमजोर हो गया, पीला हो गया है, खाता नहीं है कुछ, इसका वजन भी गिर रहा है, डॉक्टर साहब इसको कोई ताकत की दवाइयां सीरप कोई भूख खोल लेंगे सीरप वगैरह दें ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब ने 2000 रुपया फीस है उनकी, वो उनके बाहर असिस्टेंट ने ले ली थी। अब डॉक्टर साहब ने सारी बात पूछनी शुरू की, सारे हालात पूछे, उसके बाद उस पढ़ी लिखी माँ को कहा बीबी आपने बच्चे को खाना खाना नहीं सिखाया, आप इसको खाना खाना सिखाए। फिर उन्होंने किताब भी छोटी सी लिखकर किताबचा छापा हुआ है वो साथ दिया, बीबी इसमें तरीके लिखे हैं कि बच्चे को खाना कैसे सिखाते हैं। वो पढ़ी लिखी माँ पता आगे क्या कहने लगी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ये भी कोई सिखाने की चीज है? डॉक्टर साहब ने कहा बीबी ये भी सिखाने की चीज है, ये आप किताब चाहे उसको पढ़िए उसके मुताबिक अमल कीजिए और तशरीफ ले जाइए। वो खातून कहने डॉक्टर साहब कोई सीरप तो लिखे, डॉक्टर साहब ने कहा सीरप कोई नहीं, अभी फिलहाल एक महीना आप ये काम करें फिर आए, फिर अगर जरूरत पड़ी मैं दवाई लेके दूंगी। कहले कि डॉक्टर साहब मैं 2000 रुपये देकर आऊँगा। डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैंने जो मशवरा देना था वो दे दिया, मैंने जो लिखना था वो लिख दिया, हाँ मैंने लिखा है उससे पर बच्चे को खाना खाना सिखाइए। आज लोग कहते हैं दीन भी कोई सीखने की चीज है। आ जाएगा दीन, पहले ये तो पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, आ जाएगा दीन। आप देखिएगा कि आपने इस बच्चे को खाना कैसे सिखाया। पहले जनाब आप इसको कोई जरा सी कोई चीज थी वो तोड़ तोड़ कर इसके मुंह में देते थे, फिर इसने निवाले लेने शुरू कर दिए बच्चे ने, फिर एक वक्त ऐसा आया कि इसने खुद तोड़ कर खाना शुरू किया, आधा सालन मुंह पे लगाता था, आधा सालन नाक पे लगाता था, आधा मुंह पे जाता था, कुछ कपड़ों पे गिरता था, पता नहीं हफ्तों महीनों ऐसा होता रहा, फिर आखिरकार माशाल्लाह बड़ा हो गया, दो दो तीन तीन रोटियां खाता है। बहुत वक्त लगा खाना सीखने, लेकिन हम जब दीन पर लाना चाहते हैं तो हमारा रवैया ये होता है कि हमने जब कह दिया एक दफा गुस्से में तो करे ना। दीन पर लाने के लिए हमारा रवैया ये होता है, हमारे अल्फाज ये होते हैं। मैंने अर्ज किया आज हमें दीन पर लाने के लिए उसी रवैये को इख्तियार करना पड़ेगा, उसी मोहब्बत भरे लहजे को इख्तियार करना पड़ेगा, उसी तदरीज के लहजे को इख्तियार करना पड़ेगा, उसी स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम करके तरबियत करने की जरूरत होगी। तरबियत एक दिन का नाम नहीं होता, एक हफ्ते का काम नहीं होता, सारी जिंदगी का काम होता है। फिर उसके बाद लुकमान अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने दानाई दी, उन्होंने जब नई नस्ल की तरबियत की तो अल्लाह ताला ने सिखाया कि फिर ये सिखाओ ईमान पर मेहनत हो सबसे पहले, उसके बाद ये सिखाओ कि माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करें। वसीन अल इंसान बि वालिदैह हमलत उम्मुहु वदअतुहु कुर्हा, कि माँ ने बड़ी मुशक्कतों से पाला है, और ये सिखाओ कि अनिश्कुर ली वली वालिदैक, कि ये अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और माँ बाप का भी शुक्र। आज नई नस्ल की तरबियत में अगला पहलू इसको शुक्र सिखाइए नई नस्ल को। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेहनत करने वाले मौजूद हैं। एक साहब के यहां खाने में जाना हुआ, खाना खाने बैठे तो जो साथ वाला बच्चा बैठा था मैंने उसको डोंगा दिया सालन का, तो वो कहने लगा जजाक अल्लाह। फिर उसके बाद एक और साथ बैठा था उसको कोई चीज पकड़ाई उसने भी जजाक अल्लाह कहा। फिर सामने एक छोटा बच्चा उनका बैठा था, मैंने खास तौर पर आजमाने के लिए उसको भी कोई चीज दी तो वो भी कहता आगे से जजाक अल्लाह। मैंने उसके वालिद साहब की तरफ मुंह करके कहा, मैंने कहा बच्चों पे मेहनत हुई है, बच्चों पर मेहनत हुई है तो
बाप ने फिर अजीबोगरीब बात बताई, खवातीन भी गौर से सुनी। बाप कहने लगा, मेरी बीवी मुझे अगर कोई चमचा, कोई सालन, कोई रोटी भी देती है तो मैं हर दफा जजा कर लाती हूँ। आज हमारे बच्चों के अंदर, नई नस्ल के अंदर नाशुक्री भरी हुई है। शुक्र नहीं है जुबान पे नई नस्ल की, सिखाया नहीं गया ना, तरबियत नहीं की। आज की नशिस्त का मौजू यही है, तरबियत कैसे करें। तरबियत जनाब ऐसी हो कि आप दिन में 10 दफा भी अगर चॉकलेट देते हैं, आइसक्रीम देते हैं, कोई चीज देते हैं बच्चे को, 10 दफा उसके मुंह से जजाक अल्लाह निकले, अल्लाह आपको बेहतर बदला दे। अनिश्कुरली वली वाली देख, माँ बाप का भी शुक्र अदा करें, बंदे का भी शुक्र अदा करें, उसके माँ बाप का भी शुक्र अदा करें। बाद लोग कहते हैं वो जी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बंदों का क्या शुक्र अदा करना। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। कुरान सुन्नत की आगही है, कुरान भी सुनिएगा, हदीस भी सुनिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र नहीं अदा करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। वहां मुहद्दिसी ने अजीब बात लिखी इस हदीस की तशरीह में कि ये क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो मुहद्दिसी ने वहां लिखा कि दरअसल, और से सुनिएगा, दरअसल जो बंदा, जिसको अल्लाह ने नेमत देने का जरिया बनाया है, जो नेमत देता हुआ नजर आ रहा है उसका ये शुक्र अदा नहीं करेगा तो जो नजर नहीं आ रहा उसका कहां शुक्र अदा करेगा। पहले उसको इसकी तो आदत डाले कि ये जो सामने नेमत देता हुआ ये बाप ये मां नजर आ रही है इसका शुक्र अदा करेगा, अल्लाह का भी शुक्र अदा करेगा। आज तरबियत मिजाज बनाए नई नस्ल का कि वो शुक्र अदा करे, माँ बाप का भी और अल्लाह का भी। फिर उसके अंदर तरबियत करते हुए माँ बाप का कहना मानना। आज नई नस्ल एक सवाल करती है, कहां तक माँ बाप का कहना माने, ये एक सवाल है नई नस्ल का। अल्लाह ताला ने जवाब दिया है इस इन आयतों में, وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا। एक उसूल समझाया कि जब तक माँ बाप गुनाह का हुक्म ना दे उस वक्त तक उनकी बात मानते चलो, जब गुनाह का हुक्म दे रुक जाओ। मुमकिन है कि आप में से बैठी हुई माएं और बाप ये सोचते हो कि मौलाना भला मां बाप भी कभी गुनाह का हुक्म दे सकते हैं। लेकिन इंसान थोड़ा सा अपने घर के अंदर की चार दीवारी को जरा देखे, जरा गौर से वाकयात तो जरा याद कीजिए कि मोबाइल की घंटी बजी, टेलीफोन की घंटी बजी, बच्चे ने उठाया, पूछा कौन है, वो फुला है, कह दो सो रहा है, अब्बा जी घर में नहीं है कह दो, गुनाह का हुक्म दिया है बाप ने, झूठ बोलने का हुक्म दिया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों की तरबियत करते हुए जड़ें काट दी, तब तरबियत होती है। एक मां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी, हदीस मुहद्दिसी ने किराम तशरीफ फरमाया, उन्हें हदीस मालूम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो खातून बैठी थी, खातून भी गौर से सुने, खवातीन गौर से सुने। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के पास वो खातून बैठी थी, तो उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया और कहा इधर आओ, मैं तुम्हें कोई चीज दूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उस खातून की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, तुम्हारे पास कोई चीज देने के लिए है? खातून ने कहा, जी हाँ या रसूलल्लाह, मेरे पास एक खजूर थी, वो मैं देना चाहती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज देने के लिए ना होती तो तुम्हारे नामे अमाल में झूठ लिखा जाता। थोड़ा सा सोचिएगा इस बात को कि कितनी बार जिंदगी में ऐसा हुआ, बेटा ये काम कर लो मैं तुम्हें चॉकलेट ला के दूंगा, बेटा ये काम करो ऐसा करो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। बच्चा कई दफा कहता है बाप को माँ को, वो आपने वादा किया था आइसक्रीम खिलाने का, वो आपने खिलाई नहीं, वो चॉकलेट खिलाने का वादा किया था, और ठीक है खिला दे खिला दे, क्या हो बस। बच्चा भी समझ जाता है और हम उसको बाकायदा ये फन सिखाते हैं घरों के अंदर, एक हम स्कूलों में सिखाते हैं कॉलेजों में, उसे कहते हैं बायोलॉजी कहते हैं जूलॉजी कहते हैं, घर में हम समझाते हैं तरबियत करते हैं एक खास फन की टर्खालोजी, टर्खालोजी ये हम घर में सिखाते हैं। पता है क्या है टर्खालोजी? वादा कर लो फिर वादे की कोई हैसियत नहीं, ऐसी खामखा। मुसलमान की जुबान पक्की नहीं होती, और झूठ बोलो और झूठ बोल के काम निकालो, परवाह ना करो इस चीज की। ये हमने घर की चार दीवारी में तरबियत हम नई नस्ल की कर रहे हैं आज मुआशरे के अंदर, और गुनाह नहीं समझ रहे। वो बच्चा भी जवान होकर फिर पाकिस्तान का शहरी बनता है और वो पता क्या कहता है, जवान बच्चा हमारे सामने कहते हैं, वाला मैं झूठ के बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती, वादों को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि उसकी एक तवील जिंदगी गुजरी है उस माहौल के अंदर जहां गुनाह की तरबियत हुई है, जहां वादा खिलाफी की तरबियत हुई है, जहां झूठ की तरबियत हुई है। काश हमारी नई नस्ल अपनी जुबान से ये निकाल सकती कि मैं जिन माँ बाप की औलाद हूं, न मेरी औलाद ने कभी झूठ बोला है उनसे, न मेरी माँ ने कभी झूठ बोला है उनसे, न मेरे बाप ने कभी झूठ बोला है उनसे। काश ये नई नस्ल हमारे सामने ये जुमला कह सकती। इसके लिए माँ बाप को अपना किरदार मजबूत करना होगा, और अगर माँ बाप ये चाहें कि हम सब कुछ करते रहें और नई नस्ल की तरबियत हो, तो जनाब वो तरबियत नहीं होती, वो कुछ और होता है। आज तरबियत करते हुए हमें समझना होगा क्या हम कहीं गुनाह की तरबियत तो नहीं दे रहे, गलत बात की तरबियत तो नहीं दे रहे, वादा खिलाफी की तरबियत तो नहीं दे रहे। काश के आज बाप भी ये कह सकता हो कि ये मेरा बच्चा है झूठ नहीं बोलता, इसने आज तक झूठ नहीं बोला। काश आज माएं ये तरबियत कर सकती होती कि ये मेरा बच्चा है मेरी बच्ची है, ये चोरी नहीं कर सकती, ये अमानत में खयानत नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चे की गारंटी देता ये ऐसा है। लेकिन उसके पीछे बड़ी लंबी कहानी होती, बड़ी लंबी तरबियत होती। आज किन खतूत पर नई नस्ल की तरबियत की जरूरत है? मुमकिन है कि आप में से कोई साहब ये कहें, मौलाना कोई प्रैक्टिकल लाइफ की बातें करें, ये कहाँ हो सकता है कि झूठ खत्म हो जाए, ये कहाँ हो सकता है कि कोई वादा खिलाफी ना करे। आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, और जो हजरात आप में से बैरून मुल्क जाते हैं, दूसरे मुल्कों का दौरा करते हैं, वो गवाही देंगे इस बात की कि आज वो मुल्क जो दहरिया है, गैर मुस्लिम ममालिक आज वो दावा कर रहे हैं अपने मुल्क की सतह पर, कौमी सतह पर, क्या आप हमारे पास आकर रहे एक हफ्ता दो हफ्ते एक महीना, ना हमारा बच्चा झूठ बोलता है, ना हमारा बूढ़ा झूठ बोलता है, ना
हमारा जवान दावे हमारे मुल्क में बददियानती नहीं है, हमारे मुल्क में करप्शन नहीं है। मुमकिन है कि आप कहें वाला ना आप वो वक्त था ना अंबिया का दौर था, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम का दौर था, वो ऊंटों का दौर था, पत्थरों का दौर था, जिस जमाने में ये बातें होती थी, अब कहां है। मैं तो मिसालें अर्ज कर रहा हूं कि काफिरों ने अपने मुल्क के अंदर से झूठ को खत्म करके दावा कर दिया। आज जनाब उन मुल्कों के एयरपोर्ट पर कदम रखने के बाद ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पाकिस्तानी भी सच बोलने लगता है, उसको पता है यहां झूठ का हाल क्या होता है, यहां बददियानती का हाल फिर क्या होता है, उसे अंजाम मालूम होता है, उसके यार दोस्त सब बता चुके होते हैं यहां बद्दा बन के रहना है। इसलिए कि वहां इस पर मेहनत हुई, जब नई नस्ल की तरबियत इस अंदाज में होती है तो वहां मुल्की सतह पे झूठ खत्म हो जाता है। काश कि आज हम अपने घरों में मेहनत करें इस तरह कि घर के चार पांच छह सात आठ अफराद के ऊपर मेहनत हो, और मेहनत होते होते इतना हो कि हमें यकीन हो कि इस घर का फर्द वो झूठ नहीं बोलता, इस घर का अगर फर्द है वो बददियानती नहीं करता, इस घर का फर्द किसी को तकलीफ अपने हाथ और अपनी जुबान से नहीं पहुंचाता। ये तरबियत आज वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है, और ये तरबियत ये रोब दबदबे डांट डपट से नहीं हुआ करती। आज बहुत से बाप मिलते हैं वो कहते हैं मौलाना मेरा बड़ा रोब है घर के अंदर, मैं जब जाता हूं घर में घुसता हूं खामोशी छा जाती है, और मैं बताऊं क्या होता है, कितना रोब है उन साहब का, बस घर में दाखिल होते तो एक बच्चा चरपाई के नीचे अबाजी आ रहे हैं, एक बच्चा बाथरूम के अंदर घुस जाता है अबाजी आ रहे हैं, एक बंदा बच्चा छत के ऊपर दौड़ता है, मां भी कहती बाबा रहा एक छत के ऊपर चढ़ जाता है, दूसरा बच्चा एक और गली में बाहर निकल जाता है, वालिद साहब तशरीफ ला रहे हैं, शेर आ रहा है। तरबियत होगी, अगर औलाद बाप के पास चंद मिनट बैठने को तैयार नहीं है और बाप अपनी औलाद को पास बिठाने को तैयार नहीं है, तरबियत कहां से होगी, तरबियत कहां से होगी। आज तरबियत करनी होगी तो उस नाना की तरह तरबियत करनी होगी कि वो नाना सजदे में गए नवासे बैठ गए नाना की पुश्त पर तो नाना ने सजदा लंबा कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाना नमाज पढ़ रहे थे खातम नबी नमाज पढ़ रहे थे, हजरत हसन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला में से कोई नवासा, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों टांगों के बीच में से गुजरने की कोशिश की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और टांगों को जरा फैला दिया कि जरा आराम से गुजर जाए, नवासा है ना। और जहां हम बुजुर्ग नमाज पढ़ते हैं वहां कर्फ्यू नाफिज होता है, कोई बच्चा पास ना फटकने पाए नमाज खराब कर दे संभालो बच्चों को। हमने उस जहां हमने नमाज पढ़नी वहां से बच्चों को हमने दूर कर दिया, ये नमाज कहां से सीखेगा, तरबियत कहां से लेगा, हमने तो दूर कर दी। आज अगर बाप अपनी औलाद के पास बैठकर उसको बिठाकर खाना नहीं खाएगा नहीं खिलाएगा, इसको खाने के आदाब कहां से आएंगे, ये पास बिठाकर उनको उनसे बातें नहीं करेगा, इसको बातों के आदाब कहां से आएंगे, ये अपने साथ मजलिसों में लेकर जाएगा नहीं, नेक मजलिसों में दीनी मजलिसों में ये माए और ये बाप नहीं लेकर जाएंगे तो बच्चों को उठने बैठने के आदाब कहां से सीखेंगे। आज इन मां बाप ने अपनी औलाद को
मोबाइल देकर, लैपटॉप देकर, कंप्यूटर देकर, टैबलेट देकर, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। हर बच्चे को एक कमरा देकर उसमें बंद कर दिया है, शैतानों के हवाले कर दिया है। और जब आंख खुलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत देर हो चुकी होती है। ध्यान में बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा, तरबियत के लिए टाइम देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। इस नई नस्ल को अपने करीब करना पड़ेगा। अगर ये नई नस्ल आपके करीब ना आई, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ये जनरेशन गैप, ये जनरेशन गैप, ये दो नस्लों के दरमियान बढ़ता हुआ फासला, इसको कम कीजिए, इसको कम कीजिए। और उनको बताइए इस नई नस्ल की तरबियत करते हुए कि या बुनैया इन्नहा इन्तकु मिसकाल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्ध यहती बिअल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। मेरे प्यारे बेटे, अगर राई का दाना भी, कोई जर्रा बराबर चीज भी चट्टान के अंदर होगी, आसमान और जमीन में कहीं होगी, अल्लाह उसको भी ले आएगा। अल्लाह बड़ा बाखबर है, बड़ा मेहरबान है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अगर हमने सिर्फ माँ का खौफ पैदा किया, बाप का खौफ पैदा किया, उस्ताद का खौफ पैदा किया, जहां ये तीन नहीं होंगे वहां वो गलत रविश पर चलेगा। सिर्फ माँ बाप का खौफ, सिर्फ उस्ताद का खौफ, ये काफी नहीं। असल चीज क्या पैदा करनी है? बेटा अल्लाह देख रहा है, इतने यकीन के साथ उसके अंदर ये कैफियत पैदा हो जाए, जिस यकीन के साथ हमारे बुजुर्ग, हमारे मशाइख अपने मुरीदों की तरबियत करते हैं। अल्लाह देख रहा है, बड़ी मेहनत की एक शेख ने अपने मुरीदों पर, और आखिरकार उन मुरीदों का इम्तिहान का दिन आया तो सबको एक एक कबूतर दिया, बहुत तारीखी वाकया, एक एक कबूतर दिया और कहा कि जाओ ऐसी जगह जबा करके आओ जहां कहीं कोई न देख रहा हो। सब अलग अलग जगहों पे गए, कबूतरों को जबा करके ले आए। एक शागिर्द जो है वो जिंदा कबूतर को हाथ में वापस ले आए। उस्ताद जबरदस्त नाराज हुए वो शेख, कहने लगे तुम कहां गए थे? उसने कहा मैं फला जगह गया था। उसने कहा मैं फला जगह जबा करके लेकर आया। वो जो नहीं जबा करके लेकर आया था उस पर नाराजगी जाहिर की और कहा तुम्हें नहीं कोई जगह मिली थी जहां जबा करके लेकर आते? मुरीद क्या कहने लगा? कहने लगा जी वो आपने कहा था वहां जबा करके लाना जहां कोई ना देख रहा हो, मैं जहां जाता था अल्लाह देख रहा हूं, इसलिए जिंदा वापस ले आया हूं। तो वो शेख ने भी क्या जुमला कहा था? शेख ने कहा एक पास बाकी फेल। अल्लाह देख रहा है। अगर ये कैफियत बना दी और ये कैफियत अल्लाह वालों के पास बैठे बगैर नहीं आएगी, और ये कैफियत आएगी बाप अल्लाह वालों से ताल्लुक रखते होंगे, तो ऐसी सूरत में इंशाअल्लाह अजीज फिर घरों में तरबियत का माहौल बनेगा। और तरबियत करते हुए अगला लम्हा क्या चीज उसकी आदत को बदलेगी, किस तरह अल्लाह से ताल्लुक कायम होगा, किस तरह इसके अंदर जिंदगी में पाकीजगी आएगी, किस तरह ये हमारी नई नस्ल गुनाहों से बच जाए, ये आज के सवाल है, बहुत कड़वे सवाल है। अगला मरहला, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने नई नस्ल की जब तरबियत की तो अगली आयत या बुनैया अक़िमिस सलाह वामुर बिलमारूफ वनह अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। या बुनैया अक़िमिस सलाह, ए मेरे प्यारे बेटे तू नमाज कायम कर। नई नस्ल को ये कहना है आप नमाज कायम कीजिए, कायम कीजिए यानी पाबंदी से पढ़िए। बेटे नमाज पाबंदी से पढ़िए, कब से कहना है? इस उम्र का तायुन किया है आखिरी नबी
हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहद्दिसीन तशरीफ फरमाए, इल्म हदीस के बड़े बड़े उस्ताद यहाँ तशरीफ फरमाए, उन्हें हदीस पढ़ाते हैं, उन्हें मालूम यह हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबईन वद्रिबूहुम वहुम अबनाउ अशरीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाए। ये 7 साल का बच्चा पता है कब होता है? हम अपने मुआशरे में बच्चों को स्कूल में क्लास 1 में दाखिल करवाते हैं जब वो 5 साल का होता है। 5 साल की उम्र का बच्चा पहली क्लास में जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 साल का बच्चा दूसरी क्लास के आखिर में या तीसरी क्लास के शुरू में होता है। यानी दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को आपने कहना है कि नमाज पढ़ो बेटा। आप मुआशरे में अगर माँ को अल्लाह नेकी की तौफीक दे दे और माँ कहे कि मैंने सुना है हदीस में, पढ़ा है मैंने कि 7 साल के बच्चे को नमाज का हुक्म देना चाहिए, और ये तीसरी क्लास के बच्चे को माँ नमाज का हुक्म देना शुरू कर दे, तो बस औकात बाप कह देते हैं पढ़ लेगा नमाज है, अभी से क्या मौलवी बनाना है, पढ़ ले अभी तो बच्चा है। फिर जब जवान हो जाएगा ये खून के आंसू रोएगा, वो नहीं आएगा नहीं आएगा। अल्लाह ले आए अल्लाह कादिर है। तरबियत नहीं हुई, तरबियत कब से करनी है? जब 7 साल का हो जाए। माएं बहनें बाप भाई मौजूद हैं, गौर से सुनिएगा, अभी 7 साल बाकी है नमाज के फर्ज होने में। कहीं वो 14 साल का बालिग होगा तब नमाज फर्ज होगी, अभी 7 साल की उम्र में उसको कहा जा रहा है नमाज पढ़ते हैं। एक साहब तशरीफ लाए, अच्छी खासी उम्र के, कहने लगे मौलाना आज मैंने बच्चे को फजर की नमाज के लिए उठाया तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की और हकीकतन उस बाप के आंखों से आंसू भी जारी हो गए थे। मैं समझ गया कि मामला कुछ ज्यादा हो गया। मैंने कहा पूरी बात बताइए ताकि हल बता सकूं। कहने लगे कि मैं कई दिन से उसको कह रहा था कि उठा करो फजर की नमाज पढ़ा करो, आज नहीं वो उठ रहा था फजर की नमाज पढ़ने के लिए, मैंने उसके 2 लगाए, मारा उसको। मैंने अर्ज किया कि क्यों मारा? आगे उनका जवाब गौर से सुनिए। कहने लगे हदीस में आता है कि जब बच्चा नमाज न पढ़े तो उसको मारो। ये उन साहब का आगे से जवाब था, कितने नेक आदमी हैं, हाँ कितने नेक आदमी। कहने लगे हदीस में आता है बच्चा नमाज न पढ़े तो उसको मारो। मैंने अर्ज किया कि मैं हदीस भी आपको पूरी सुना दूं। हदीस यूं है, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबईन वद्रिबूहुम वहुम अबनाउ अशरीन, कि तुम अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं, और जब वो 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़ें तो उनकी पिटाई कर सकते हैं। 10 साल के हो जाए तो उनकी पिटाई कर सकते हैं। मैंने कहा आपके बच्चे की उम्र कितनी? कह रहे FSC में पढ़ता है, जवान है। मैंने कहा 18-19 साल तो उम्र होगी ना उसकी। ये कौन सी हदीस में लिखा है कि जवान बच्चों पर हाथ उठाओ? वो तो 10 साल का बच्चा होता है जिसको मारने की इजाजत दी गई कि तुम उसको मार सकते हो। 10 साल का बच्चा पता है कौन सा होता है? देखिए 5 साल की उम्र के बच्चे को आप स्कूल में दाखिल करवाते हैं ना, तो जब 10 साल का होगा तो प्राइमरी में होगा। प्राइमरी वाले 5वीं 6वीं के बच्चे को वो मास्टर साहब थप्पड़ मारते ना इधर से मारते, वो उधर जाके गिरता है, थोड़ी देर बाद हंसने लगता है। उस वक्त शऊर और होता है ना, जवान बच्चे का शऊर कुछ और होता है। ये किसी हदीस में नहीं कि जवान बच्चे को मारो। और आज बच्चों पर हाथ उठाने वाले माँ, हाथ उठाने वाली माएं, हाथ उठाने वाले बाप, हाथ उठाने वाले असातिज़ा, वो थोड़ा सा तवज्जो से एक बात को सुनिएगा कि हम जिंदगी में कितना अमल करते हैं। अल्लाह ने तौफीक दी आप सब हजरात को, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतों का ख्याल रखते हैं ना, ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है,
ये चीज़ें भी सुन्नत है, इस तरह खाना सुन्नत है, इस तरह पीना सुन्नत है, इस तरह फलां बात सुन्नत है, कितना आप सुन्नतों का ख्याल रखते हैं। दो सुन्नतें अर्ज करने लगा हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी न किसी बीवी पर हाथ उठाया न किसी बच्चे पर हाथ उठाया। ज़रा इंसान आ जाए सुन्नतों पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी कभी किसी खातून पर बीवी पर कभी हाथ नहीं उठाया, एक वाक़या नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी कभी किसी बच्चे को नहीं मारा, एक वाक़या भी नहीं। ये इंसान आज अपने माहौल में नई नस्ल की तरबियत करते हुए नबवी तरीके को इख्तियार करना पड़ेगा। नबवी तरीके से हटकर ये इंसान तरबियत कर रहा है तो कुछ और कर रहा है, तरबियत नहीं हो रही। नबवी तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। नमाज 7 साल का हो जाए बच्चे को नमाज का हुक्म दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बाप मिलते हैं जो ये जुमले मुझे सुनाते हैं, गौर से सुने माएँ, गौर से सुने बाप, कि जी हमारे बच्चे और हमारी बच्चियाँ जब जवान हुई, हमारी बच्चियाँ और हमारे बच्चे जब जवान हुए तो हमें उनको गुस्ल करने का तरीका नहीं बताना पड़ा, उनको वज़ू करने का तरीका नहीं बताना पड़ा, पाकी और नापाकी के अहकाम हमें उन बच्चों को नहीं बताने पड़े। उन बाबों से मैंने पूछा क्या हुआ, कहने लगे वो 7 साल की उम्र थी तो माँ इसको गुस्ल के फ़राइज याद कराती थी, वज़ू के फ़राइज याद कराती थी, मजबूर करती थी माँ बेटा नहाना है तो शरीयत के मुताबिक। 7 साल के बच्चे, बेटा वुजू करना है तो सुन्नत के मुताबिक, फ़र्ज भी पूरे करो सुन्नत भी पूरे करो, नहाना है तो सुन्नत के मुताबिक। ये जब जवान हुए 7 साल की उम्र से सही तरीके से नहा रहे थे, सही तरीके से वुजू कर रहे थे, जब 14 साल के बालिग हो गए तो उनको नहलाने के तरीके नहीं बताने पड़े, गुस्ल के फ़राइज नहीं बताने पड़े। आप हैरान होंगे, जामे शफिया में पढ़ाता हूँ वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सब नेक लोग होते हैं, तालिबे भी माशाल्लाह बामल होते हैं। कॉलेज में जहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ पढ़ाता हूँ वहाँ तो कई दफ़ा रोना पड़ता है, भरी हुई क्लास होती है, जवान बच्चे होते हैं FSC के BSc के, उनसे बस अवकात पूछता हूँ गुस्ल के फ़र्ज कितने हैं, क्या आप यकीन फरमाएंगे कि नौजवान बच्चों में से बमुश्किल 100 के अगर आप 100% का अंदाज़ा लगाएं तो उसमें से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहते होंगे जिनको गुस्ल के 3 फर्ज आते होंगे। वरना आम तौर पर नाक में पानी डालना इसको लड़के बयान ही नहीं करते नौजवान, कि नाक में पानी डालना भी गुस्ल में फ़र्ज है, बाकी बातें बताते हैं, गुस्ल के 3 फर्ज नहीं बता सकते नौजवान नस्ल। ये हम उलमा का कसूर है, हमें इख्तिलाफी बातों से ही वक्त फारिग नहीं मिलता जो नई नस्ल की तरबियत करने के लिए उनको बता सके कि वज़ू कैसे करते हैं, गुस्ल कैसे करते हैं। माँ बाप के पास भी वक्त नहीं रहा, माँ बाप के पास भी खुद तालीम नहीं रही दीनी, तो वो कहाँ लोगों तक मुंतकिल कर सके। लेकिन मायूस ना होइएगा, मायूस ना होइएगा, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, ला तखज़ू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होइएगा किसी मरहले में। अपनी बात को मुकम्मल करने की तरफ जा रहा हूँ। अगला जुमला, वअमुर बिलमारूफ वनहा अनिल मुनकर, ए मेरे प्यारे बेटे नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोक। लुक्मान अलैहिस्सलाम ने अगली नसीहत बच्चे को ये की कि ए बच्चे नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोक, अमर बिलमारूफ नहीं अनिल मुनकर कर। अल्फाज पर गौर कीजिएगा कुरान हकीम के, बार बार पढ़िएगा। ये नहीं कहा बच्चे को ये समझाना है देखो बेटा ये अच्छाई है ये बुराई है, सिर्फ ये नहीं, बच्चे को नई नस्ल को इस बात के काबिल बनाना है कि वो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। ये वो जुमला है जो आज एक कड़वे सवाल का जवाब है। आज लोग पूछते हैं कि जनाब मीडिया इतने आगे जा चुका, मौलाना मीडिया ने ये फैला दिया ये फैला दिया ये फैला दिया, इतनी फाशी फैला दी, इतनी बेहयाई फैला दी, इतने गुनाहों वाली जिंदगी फैला दी,
हम क्या करें, कहां जाएं, क्या करें। इस चूल्हे के अंदर उसका जवाब मौजूद है। एक नंबर एक, उस नई नस्ल को नमाज की पाबंदी करवाइए। नंबर दो, उनको इस बात के अंदर तमीज पैदा कीजिए, मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत, एक तवील मेहनत, इतनी मेहनत कि बच्चा किसी चीज को देखे या किसी चीज को सुने फौरन जज कर ले और फैसला कर ले कि ये अच्छा है या बुरा है। इस हद तक नई नस्ल की तरबियत कर दीजिए। मैं इल्तिमास करूंगा कि इस आगही के उन्वान से नई नस्ल के अंदर ये बात पैदा की जाए कि बेटा ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये अच्छाई है, ये बुराई है। इतनी वोकैबुलरी, इतना ज़खीरा अल्फाज उस बच्चे के जहन में मौजूद हो जाए कि वो दुनिया की कोई बात देखे तो ये आपको बता सके ये अच्छी बात है या बुरी बात है। फिर मीडिया भी कहीं आखिरी हद तक भी चला जाए तो इंशाल्लाह इस मुमिन नस्ल, इस ईमान वाली नस्ल के अंदर से कम अज़ कम वो ईमान को नहीं निकाल सकेगा इंशाल्लाह। मायूस ना होइएगा। जब इंसान आगही हासिल कर लेता है, जुमला याद रखिएगा, जब इंसान आगही हासिल कर लेता है तो मायूसी से निकल जाता है। जब तक इंसान बेखबर होता है उसे आगही नहीं होती, वो मायूसी में रहता है। एक बंदा अगर किसी बीमारी में पड़ जाए, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, सब बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमाए। किसी बंदे को अगर शुगर हो जाए, किसी बंदे को ब्लड प्रेशर हो जाए और डॉक्टर उसको कहे देखें आप ना शुगर के बारे में आगही हासिल करें, किन बातों से शुगर होती है, किन से नहीं होती, क्या परहेज करना है, क्या इंजेक्शन लगाना है, क्या दवाई खानी है, जितनी वो आगही हासिल करता चला जाता है उतना बीमारी का खौफ उसके ऊपर से उठता चला जाता है, उसके अंदर जिंदा रहने का हौसला है। आज माँ बाप जितनी आगही हासिल करेंगे दीन के बारे में और अपनी नई नस्ल में मुंतकिल करेंगे, ये नई नस्ल मायूसी से निकलेगी इंशाअल्लाह। ये माँ बाप भी निकलेंगे मायूसी से। घबराना नहीं है। हम लोग माँ बाप होते हुए भी कभी घबरा जाते हैं। अल्लाह ताला ने आगे सिखाया, वस्बिर अला मा असाबक इन ज़ालिक मिन अज़्मिल उमूर। हे मेरे प्यारे बेटे, तू सब्र कर। सबर करना बड़ी हिम्मत के कामों में से है। आज बच्चों के अंदर, नई नस्ल के अंदर, बच्चियों के अंदर, बच्चों के अंदर आज बर्दाश्त पैदा करना, तहमुल पैदा करना, सबर पैदा करना। अगर कोई तकलीफ पहुंचे किसी इंसान की तरफ से, कुदरत की तरफ से बीमार हो जाए, कभी कोई दर्द हो जाए, कभी कोई चोट लग जाए, कभी किसी इंसान की तरफ से दिल दुख जाए, हिम्मत पैदा कीजिए कि इसके अंदर तहम्मुल हो, इसके अंदर बर्दाश्त हो। आज हम नौजवान नस्ल के बारे में कहते हैं कि इसके अंदर तरबियत नहीं हुई जी इसकी, इसके तहम्मुल और बर्दाश्त पैदा करना चाहिए नौजवानों में। नौजवानों में नहीं, बचपन से तहम्मुल पैदा करना है। इस नई नस्ल को शुरू से इसके अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है। आज अगर ये माँ बाप के सामने एक वक्त में खाना नहीं मिलता, चॉकलेट नहीं मिलती, मर्जी पूरी नहीं होती, मनपसंद चीज इसकी नहीं आती, आज ये पूरे घर को बच्चा सर पे उठाता है और बाप उसकी तरबियत नहीं करता, माँ उसकी तरबियत नहीं करती, नतीजा ये होता है कि बड़े होकर भी इसके अंदर ना तहम्मुल होता है ना बर्दाश्त होता है, जरा जरा सी बात पे ये आपे से बाहर हो जाता है, दूसरे का गिरेबान पकड़ता फिरता है मुआशरे के अंदर। और अगर बचपन से तरबियत होती है तहम्मुल की, बर्दाश्त की, बेटा तकलीफ पहुंची है अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दो उस इंसान को, बेटा तुम्हें दर्द हो रहा है बेटा बर्दाश्त भी करो, अल्लाह ताला इस पर अजर अता फरमाता है। बुखार होता है तो भी अल्लाह ताला गुनाह झाड़ देता है, बेटा बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करो, थोड़ी सी तकलीफ हो गई है पूरे घर को सर पे ना उठाओ बेटा, तरबियत। जवानी में आकर तहम्मुल और बर्दाश्त की तरबियत नहीं हुआ करती। देखना होगा बचपन किस तरह जवान हुआ है, ये बच्ची किन हालात में जवान हुई है। आप ये तवक्को करते
हैं कि हम बचपन के अंदर इस बच्ची को जिन मर्जी हालात में रखे, लाडो प्यार में बिगाड़ दे, जब शादी हो जाए तो अगले घर के अंदर जाकर ये तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले। जी हमने जिंदगी में इसको क्या सिखाया है, इस बच्चे को क्या सिखाया हमने, आज नौजवान को क्या सिखाया हमने? जरा जरा सी बात पर गर्मजोश हो जाना, जरा जरा सी बात पर गैरत में आ जाना, जरा जरा सी बात पर अगले की इज्जत को उछाल लेना, जरा जरा सी बात पर आसमान सर पे उठा लेना, बाप के सामने बदतमीजी से बोलना, माँ के सामने बदतमीजी से बोलना, उस्ताद की कोई हैसियत ना होना, तरबियत में कुछ कमी रह गई। आज नई नस्ल को इस पर लाना पड़ेगा, लेकिन एक तवील मेहनत के साथ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला के उस नेक बंदे ने, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने नई नस्ल की तरबियत करते हुए क्या कहा, ला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्द मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। ए मेरे प्यारे बेटे, ला तुसाइर खद्दक लिन्नास, लोगों के सामने मुंह खुला के मत रहे, लोगों के सामने मुंह फेर के मत रहे। आप पढ़े लिखे हजरात हैं, आज फेस इंप्रेशन की तरबियत, चेहरे के तासुरात की तरबियत पूरी एक साइंस बन चुकी है। चेहरे के तासुरात की तरबियत एक पूरी साइंस है। आज ये होटल की मैनेजमेंट में जितने लोग होते हैं, जो हजरात इस लाइन से ताल्लुक रखते हैं, जो दुनिया में आंखें खोल कर रहते हैं, आप जैसे हजरात, आप गवाही देंगे कि आज बाद शोबों के अंदर बाकायदा इस बात की तरबियत होती है कि चेहरे के तासुरात कैसे होने चाहिए महफिल के अंदर लोगों के सामने। वो बचपन से तरबियत करनी है बेटा, ला तो साइर खद्दक लिन्नास, दूसरे के सामने जाना है मुंह फुला के नहीं रहना बेटा, जब जाए तो किसी के सामने मुस्कुरा कर उसको सलाम करते हैं, उनके सामने किस तरह रहते हैं। बड़े होकर हदीसें सुनाएंगे और यूं कहेंगे कि जनाब ला तहकिरन्ना मिनल मारूफ वलो अन तल्का अखाक बिवजहिन तल्किन, किसी नेकी को हकीर ना समझो अगर के दूसरे से खंदा पेशानी से मुस्कुरा के मिलो, ये भी सदका है। आज टेंशन के दौर में, आज टेंशन के दौर में नई नस्ल आपके सामने आकर थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल ले, अब्बा जी को सलाम कर ले, माँ को सलाम कर ले, मुस्कुरा कर ये नौजवान बाप से बात कर ले, तो कितना बड़ा सदका है इस टेंशन के दौर में। काश हमने इस नई नस्ल के चेहरे की, इसकी तरबियत की होती, इसके फेस के इम्प्रेशन की तरबियत की होती, इसके चेहरे के तासुरात की तरबियत की होती। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या सिखाया, चेहरे के तासुरात की तरबियत, मिजाज की तरबियत, बच्चे के चलने के अंदाज की तरबियत। ला तमशी फिल अर्दी मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, बेटा इतरा के नहीं चलना, इतरा के नहीं चलना। अल्लाह ताला इतराने वालों को, फख्र करने वालों को, तकबर करने वालों को, अकड़ कर चलने वालों को पसंद नहीं करता। याद रख लीजिएगा, जिसको अल्लाह पसंद नहीं करता, जिसको खालिक पसंद नहीं करता, उसको मखलूक भी पसंद नहीं करता। तकबर वाले इंसान को, इतराने वाले इंसान को, बड़ाई में मुब्तला इंसान को, दूसरों को जलील समझने वाले इंसान को ना अल्लाह अच्छा समझता है, ना अल्लाह की मखलूक अच्छा समझती है। आज समझाना होगा नई नस्ल, और नई नस्ल को समझाना होगा कि वक्सिद फी मशीका वग़ज़ मिन सौतिक इन अनकर लस्वाति लसौतुल हमीद। ए मेरे प्यारे बेटे, अपनी चाल में मियाना नबी इख्तियार कर, वग़ज़ मिन सौतिक अपनी आवाज को धीमा रख। नई नस्ल की आवाज पर मेहनत करना, बेटा बोलना कैसे, हाँ बयान करना है आपने, जोर से बोलना है बोलिए, लेकिन बेटा माँ हूँ सामने आराम से बोलूँ, बेटा मैं बाप हूँ आराम से बोल लूँ, तमीज से बोल लूँ, लहजे को दुरुस्त करूँ, कैसे बात कर रहे हैं। आज आवाज पर मेहनत कीजिए नई नस्ल की, इसके बोल को दुरुस्त कीजिए। और उसके लिए हमें पहले अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। मुश्किल काम मैंने कह दिया,
अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। एक वाक्य बताकर बात को समेट रहा हूं। एक वाले साहब तशरीफ लाए कॉलेज में और अपने बेटे के बारे में, बेटा साथ था, जवान बेटा, मुझे कहने लगे कि बड़ा बदतमीज है, बड़ा बदजुबान है, इसको ठीक कर दें। बड़ा गुस्से में था बाप उसके। मैंने अर्ज किया बड़े शरीफाना लहजे में, मैंने अर्ज किया इंशाल्लाह मैं समझाऊं। तो बाप को गर्मी चढ़ी हुई थी, बाप वहां कहने लगा बच्चे के सामने, जवान बच्चे के सामने दो मोटी मोटी गालियां निकाली बाप ने, कहा इसकी टांगे तोड़ दे फिर ये समझेगा। मैंने कहा बहुत अच्छा। उस बच्चे को कहा बेटा आप क्लास में जाओ। वालिद साहब को लेके मैं बच्चे के मैं चला गया कमरे में अपने। मैंने कहा बेटा हाँ बाप, वालिद साहब को मैंने कहा आप इधर आओ, बेटे को जाने दो, सबक पड़ेगा जाके। वालिद को लेके कमरे में गया मैं, मैंने अर्ज किया आपने अभी अभी मेरे सामने अपने बच्चे को दो मोटी मोटी गालियां निकाली। कहने का जी हाँ ये इस तरह नहीं समझते इसके बगैर। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कि इसका मतलब ये है कि आप घर में भी जब गुस्से में आते होंगे तो बच्चे को गालियां देते होंगे। कहने का हाँ करना पड़ता है, घर में होता है। मैंने कहा अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि आप मियां बीवी में भी कभी आपस में लड़ाई हो जाती होगी तो आप आपस में गालियां देते होंगे एक दूसरे को। कहने का हाँ हाँ ये होता है, घरों में होता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बच्चे की उम्र कितनी है? कहने के एफ एस सी में पढ़ता है। मैंने कहा 17-18-19 साल तो उम्र है ना, शुरू के 2-3 साल तो निकाल दें, 2-3 साल निकाल दें और बाकी बचे 15 साल। तो इन 15 साल में आपने बहसियत बाप के और माँ ने बहसियत माँ के इसके सामने अपने मुंह से गालियाँ निकाली हैं। 15 साल, 15 साल इसके अंदर रिकॉर्डिंग हुई है बदजुबानी की। जब ये जवान हुआ है तो चाहते हैं कि इसके मुंह से फूल झड़े, अब इसके मुंह से तिलावत सुनाई दे, अब इसके मुंह से नात सुनाई दे। भरा क्या है इसके अंदर? आज इस नई नस्ल को बड़े गौर से, ये माए और ये बाप बड़े गौर से इस जुमले को सुनिएगा कि अल्लाह ताला ने इस नई नस्ल को, आपको भी मुझे भी और इस नई नस्ल को ये दो कान दिए हैं, ये दो माइक हैं, ये दो कान, ये दो माइक हैं, इनके जरिए अंदर आवाज जाती है, अंदर दिमाग के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। अल्लाह ने ये इस नई नस्ल को दो कैमरे, ये दो आंखें, ये दो कैमरे दिए हैं। ये नई नस्ल जो कुछ देखती है अंदर रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अंदर दिमाग में होती है और पूरे जिस्म के ऊपर रिप्ले होता है। अगर आप सीडी के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर गाने को इंसान भरे, फिल्में भरे, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करें और फिर उसके बाद रीप्ले करें तो उसमें से कारी सुदेश साहब की आवाज़ आए और उसमें से मक्का मदीना दिखाई दे, क्या ऐसा होता है? मेरे भाई आपने अंदर भरा क्या है? इस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से अंदर क्या डाला है? इस बच्चों के कानों और आंखों से हमने अंदर क्या पहुँचाया है? अब तवक्को करते हैं कि मक्का मदीना नजर आए, ये कारी सुदेश की आवाज़ में कुरान पढ़े। कैसे हो सकता है? हमने भरा क्या है? आज नई नस्ल की तरबियत करते हुए चौकीदार बन जाइए इनकी आंखों पर, चौकीदार बन जाइए इनके कानों पर, इनके कान, इनके सुनने की चीजों को पाकीजा बना लीजिए, इनके देखने की चीजों को पाकीजा बना लीजिए। अल्लाह इस नई नस्ल से आंखों की ठंडक दे देगा। और अगर हमने इसकी आंखों पर, इसकी निगाहों पर, इसकी आंखों पर और इसके कानों पर चौकीदारी नहीं की, हम माँ बाप ने, हम माशरे के लोगों ने, हम उलमा ने अगर चौकीदारी नहीं की और इनके कानों के अंदर से, इनकी आंखों के अंदर से जो कुछ इनको दिखाया जा रहा है ये देखते रहे तो बहुत दूर चली जाएगी ये नई नस्ल। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी इस नई नस्ल की तरबियत की तौफीक अता फरमाए। और ये दुआ जो शुरू में पड़ी थी, अल्लाह ताला हर एक के हक में ये दुआ कबूल फरमा ले। रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वज़अलना लिल्मुत्तकीना इमामा। ए अल्लाह हमें अपने घर वालों से, अपनी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा। जो बे औलाद है अल्लाह उनको नेक औलाद अता फरमा। जो औलाद वाले हैं अल्लाह उनकी औलाद को आंखों की ठंडक बना दे। हमें अपनी नई नस्ल की तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। आज की इस नशिस्त का पैगाम अल्लाह हमें अपनी नई नस्ल को पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला
سيدنا ومولانا محمد وعليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله هم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ آج ہم نے اس نشست میں نئی نسل کی تربیت کے بارے میں جو اصول قرآن و سنت کی روشنی میں سنے یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نئی نسل کی تربیت میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی یا اللہ ہم درگزر فرما دے اسے معاف فرما دے یا اللہ آئندہ اپنی نسلوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہمیں اپنی نئی نسل کو اپنے قریب کرنے کی توفیق عطا فرما دے ان کو وقت دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے یا اللہ ان کو قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفا کامل نصیب فرما یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے یا اللہ جن کو تم نے اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا دے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے معاشرے کا ایک اچھا فرد بنا دے اس ملک پاکستان میں ایک اچھا شہری بنا دے یا اللہ امت مسلمہ کا ایک بہترین فرد بنا دے جس سے تو راضی ہو جائے یا اللہ آج ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے طرح طرح کے فتنے سامنے دیکھ رہے ہیں اے اللہ ہماری نئی نسل کو اور ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہماری نئی نسل کے ایمان کی حفاظت فرما ان کے اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما یا اللہ ان کی عزت اور عفت کی عصمت کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ ایمان کی طاقت عطا فرمایا یا اللہ ہمیں ایمان والی صحت والی عافیت والی برکت والی یا اللہ اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما یا اللہ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما اور یا اللہ ان شبان ختم نبوت کے یا اللہ دارالعلوم میں اور یا اللہ ان میزبانوں نے جو محنت فرمائی یا اللہ اس محنت کو قبول فرمائے یا اللہ دین سے آگہی کے لیے یا اللہ ان کے جو حضرات محنت کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں ساری زندگی دین سے آگاہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ایک ایک بہن ایک ایک ماں ایک ایک بیٹی ایک ایک باپ اور ایک ایک نوجوان اور بچہ جو اس جگہ شریک ہوا ہے اے اللہ اسے محروم نہ فرما یا اللہ ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دے یا اللہ ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کو قبول فرما لے یا اللہ ہم سب کو گمراہی کے اور فتنے کے ہر راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ جتنے بھی حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں اے اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے تمام حاضرین اور حاضرات کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ اس شہر کے رہنے والوں پر رحمت نازل فرما یا اللہ ان کے گھروں کو سکون والا بنا دے عافیت والا بنا دے رحمت والا بنا دے یا اللہ پورے ملک پر پوری امت پر اپنی رحمت نازل فرما دے یا اللہ پوری انسانیت میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے یا اللہ ساری انسانیت کو یا اللہ ہدایت عطا فرما دے یا اللہ گمراہی کی ہر جال سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما ایمان پر خاتمہ نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم